सो गाइस, अगर आप अपना इंस्टाग्राम पर बहुत ही ज़्यादा मेहनत करो, रील बना बना कर थक गए हो, तो आपका वो इंस्टाग्राम का रील वायरल नहीं हो रहा है, तो ये वीडियो देखने के बाद 100% वायरल हो जाएगा। मैं जो बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, अगर आप एक बार ट्राई करेंगे ना, तो पक्का आपका इंस्टाग्राम रील वायरल हो जाएगा। मैं पक्का कर रहा हूँ, एक बार इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। बस 2 से 3 मिनट का वीडियो है, प्लीज ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा अगर आप अपना वीडियो को वायरल करना चाहते हो तो। मैं कह रहा हूँ ओके, अगर आप नहीं करना चाहते हो तो जा सकते हैं, आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है ओके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इस वीडियो को लाइक नहीं कर रहे तो प्लीज लाइक कर दीजिए, लाइक में बहुत ज्यादा आप लोग कंजूसी कर रहे हैं, प्लीज लाइक किया कीजिए ओके। आज का लाइक हम रखते हैं 2K, आशा करता हूं आप करा ही देंगे यार, हर वीडियो का आप करा देते हैं। एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अभी, क्योंकि यहां पर इसी तरह का नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आप यूट्यूबर हो, आप इंस्टाग्राम पर रील भी बनाते हो, तो ये बात आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर आप यूट्यूबर नहीं हो, केवल आप इंस्टाग्राम पर रील बनाते हो, तो भी आप एकदम अच्छी तरह से समझ पाएंगे ओके। तो सबसे पहले आपको बता दें कि यूट्यूब पर वीडियो कैसे वायरल होता है, मैं आपको बता दे रहा हूं ओके। पहली बात, थंबनेल पर ज्यादातर जब क्लिक आएगा तो वो वीडियो वायरल होने का चांस रहता है। भले ही ज्यादा वॉच टाइम ना है उस पर, लेकिन थंबनेल पर ज्यादा क्लिक रहेगा तो वीडियो वायरल होने का चांस बढ़ जाता है। इस तरह यूट्यूब पर वीडियो वायरल होने का सीक्रेट है ओके। थंबनेल पर जितना ज्यादा क्लिक आएगा तो वो वीडियो वायरल हो जाता है मेरे भाई। आपको बता दी, बहुत सारे यूट्यूबर हैं बोलते हैं कि उसका वॉच टाइम अगर इंक्रीज नहीं होगा, उसका ज्यादा लोग देर तक नहीं देखेंगे, तो वो वीडियो वायरल कभी भी नहीं होगा। ऐसा गलत फहमी मत रखिएगा अपने दिमाग में ओके। आपको बता दी कि अगर आपके थंबनेल पर ज्यादा क्लिक्स आते हैं ना, तो वो वीडियो वायरल होगा, पक्का होगा ओके। इसीलिए मैं कहता हूं हरदम अपना थंबनेल कैची एंड अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश कीजिए ओके। और दूसरा पॉइंट, आप अपना रील कैसे वायरल करेंगे। मैं जानता हूं कि आप उसी समय से बेसब्री से इंतजार करते होंगे, क्या मैं कर दूं कि मेरा रील वायरल हो जाए ओके। सबसे पहले आपको बता दी कि अगर आप अपना रील वायरल करना चाहते हो, तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं वो करना है ओके। एक बार ट्राई करके देखिएगा ओके। पहला पॉइंट, आप अपने वीडियो में क्वालिटी डालिएगा ओके। टिकटॉक में भी ऐसे ही होता था ठीक है, जो अपने वीडियो में क्वालिटी देता था उसी का वीडियो वायरल होता था, उसी का वीडियो पर बहुत ज्यादा लाइक एंड फॉलो मिलता था ओके। पहली पॉइंट, आप अपने वीडियो को क्वालिटी को इंप्रूव कीजिएगा। एंड दूसरी पॉइंट, ज्यादातर लिपसिंग कीजिएगा तो अच्छे से कीजिएगा, ये नहीं कि यार मतलब तेरी प्यारी प्यारी दो अखिया एकदम इधर उधर चला जाए, तो इस तरह नहीं होगा ठीक है भाई। सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। आपको बता दें कि आप जो भी लिपसिंग कर रहे हैं एकदम मैच होना चाहिए ओके। ये गलती नहीं करनी है आपको कि न्यू यूजर है इसी तरह वीडियो बना रहा है ओके। आपको एक गलती नहीं करनी है कि आप लोग अपने वीडियो में ऐसा क्वालिटी दीजिएगा कि लोग सोचेंगे कि यार बहुत ही ज्यादा दिन से ये वीडियो बना रहे हैं, इसीलिए इसका क्वालिटी एंड इसका लिपसिंग करने का तरीका देखिए बहुत ही अच्छा है ओके। आपको दूसरा पॉइंट, लिपसिंग जो कर रहे हैं उसको अच्छे से मैच होना चाहिए, एकदम अच्छे से अपने फेस में एक्सप्रेशन भी होना चाहिए ओके। ये नहीं कि यार घमंडी वाला लिपसिंग है और हंस हंस कर बोल रहे हैं, तो इस तरह नहीं होगा यार मेरे भाई। आपसे कहना चाहूंगा, कोई घमंडी वाला, कोई एटीट्यूड वाला लिपसिंग है तो उसी तरह अपने फेस का एक्सप्रेशन रखिएगा, तभी उस वीडियो को लोग अच्छी तरह से देखेंगे एंड उस पर ज्यादा वॉच टाइम आएगा। तो मैं आपको सब कुछ बता रहा हूं यार। और हो गया पहली पॉइंट, आप अपने वीडियो में क्वालिटी दीजिएगा, और दूसरी पॉइंट, आप अपने वीडियो में जो मैं बताया हूं, आप अपने वीडियो में लिपसिंग करना क्या अच्छे से सीखिएगा ओके। और तीसरा पॉइंट सबसे मेन है ओके, आपको बता दें कि बहुत सारे की तरफ फोन कर देते हैं उसके बाद अपना लिपसिंग करके डाल देते हैं। आपको बता दें कि ऐसा गलती नहीं करना है आपको शुरुआती में ओके। सबसे पहले आपको बता रहा हूं कि आप अपने साउंड में हो सके तो, ये मैं कोई गारंटी से नहीं कर रहा हूं, हो सके तो अपना साउंड में कोशिश कीजिएगा वीडियो बनाने में। एंड आपको बता दें कि कुछ फनी टाइप का, यानी कि शुरुआती में घमंडी टाइप का बनाने लगेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए। आपसे कहना चाहूंगा कि आप हो सके तो फनी टाइप का या फिर बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड टाइप का ओके। आपको बता दें कि इस समय ज्यादातर रील में क्या चल रहा है, क्रिंच कंटेंट ज्यादातर रील पर चल रहा है ओके। आपको पता भी होगा अगर आप देखते होंगे तब ओके। आपको बता दें कि अगर आप एकदम एटीट्यूड स्टाइल में बना रहे हैं तो वो वीडियो पक्का वायरल होगा। एंड आपको बता दें कि उसमें कंटेंट में दम रहेगा तभी ओके। और नेक्स्ट पॉइंट आपको बता दें कि अगर आप एक कर लेंगे ना, तो आपका रील पक्का वायरल हो जाएगा ओके। आपको बता दें कि आप अपने वीडियो के टाइटल में हरदम लिखिएगा कि वेट फॉर एंड ओके। आपको बता दें कि बहुत सारे लोग देखेंगे कि यार लास्ट में क्या होगा,
आपको बता कि इसीलिए वो वीडियो पूरा देख लेंगे, इससे आपका वीडियो को वॉच टाइम मिल जाएगा। ओके, रील पर अलग है, ठीक है। अगर आपका वीडियो को वॉच टाइम ज़्यादा मिल जाता है ना, तो रील वायरल हो जाएगा, मैं गारंटी से कहता हूँ कि इसमें तो यही है फंडा। आपको बता कि अगर कोई बार बार उस वीडियो को देख लेता है कोई, तो वो रील वायरल हो जाएगा। ओके, आपको बता कि रील में यही खासियत है कि अगर रील पर ज़्यादातर वॉच टाइम मिल जाता है, ज़्यादातर लोग उस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो वीडियो वायरल होकर ही रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आप एक गलती आप कर रहे थे तो इसे प्लीज मत कीजिएगा, तभी आपका वीडियो वायरल होगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, आप अपने वीडियो में क्वालिटी दीजिएगा। ओके, नहीं तो एकदम बेकार हो जाएगा वीडियो, आपका चलेगा नहीं। ओके, आप अपने वीडियो में क्वालिटी दीजिएगा। अगर आप क्वालिटी देना नहीं जानते हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो एकदम सेपरेट मैं बना दूंगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा वो वीडियो। ओके, तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कैसे आप अपने वीडियो में क्वालिटी दिया जाता है, सारा कुछ उस वीडियो में मैं बता दूंगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। एंड 2K का लाइक प्लीज पूरा करा दीजिएगा, एंड सब्सक्राइब करना जरूरी है, तभी आगे भी इसी तरह का वीडियो मिल पाएगा। ओके, बाय बाय।